जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को बीरपुर जेल से डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने शिकायत की थी कि वहां उन्हें परेशानी हो रही है, पहले से उनका ऑपरेशन हुआ है। वे कोविड मरीजों की सेवा कर रहे थे और अभी भी वे सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि एक बेटा की तरह, बिहार के बेटा की तरह उन्हें सेवा करनी दी जाए और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। पप्पू यादव को फिलहाल डीएमसीएच के इसी मेडिसिन विभाग के वीआईपी रूम में, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए और यहाँ उनका इलाज चलेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ डीएमसीएच के गेट पर जाप के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे थे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पप्पू यादव को जल्द रिहा कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने यहां पे पप्पू यादव के आने की खबर सुनकर कार्यकर्ताओं का यहां हुजूम जुटा था। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पप्पू यादव को यहां पे भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम है, सुपौल पुलिस जो लेकर के आई है, इसके अलावा दरभंगा पुलिस की टीम है अभी डीएमसीएच में और इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तबीयत कैसी है? बिना केस का, ना कोई केस है ना कुछ, पता नहीं कब केस खत्म हो गया। और अभी तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत कैसी है जी? किडनी में पेन है जी, पीछे बैक में चल नहीं पा रहे हैं। परसों 18 घंटे आप ये बताइए कि आपको कहाँ से लाया गया, क्या कारण था, क्या चला? मुझको नहीं पता, बीरपुर कहाँ, जब निगेटिव थे, स्थिति ठीक नहीं थी, दो दिनों से हालात अच्छे नहीं थे। हम तो चाहेंगे नीतीश बाबू 14 साल चार बार रह चुके हैं, अब बिहार की चलिए चलिए कोरोना। अरे भाई जी, आप लोग प्लीज 4 लाख रुपया दे दे, जो मरे हैं 4-4 लाख रुपया उनको दे दे। और दूसरा हमने गोदी में ले लिया है अररिया के उसकी बेटी की शादी, 1 लाख रुपया भी भेजा उसको मैंने अररिया में, जो दोनों माँ बाप ने सरकार ने नहीं दिया। लोग हम चाहेंगे किसानों को 12,000 रुपये अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, वो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा, हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे, आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, दरभंगा।